छत्तीसगढ़ पाल समाज के हाउसिंग बोर्ड स्थित अहिल्या धाम में बोर खनन का भूमि पूजन नगर पालिक निगम भिलाई के एमआईसी मेंबर के हाथों संपन्न हुआ। बहुप्रतीक्षित मांग पूरी होने से समाज के लोगों में हर्ष है। वार्ड 25 हाउसिंग बोर्ड स्थित अहिल्या धाम में भगवान भोलेनाथ, बजरंगबली सहित अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित हैं। यहां समय समय पर विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन भी किया जाता है। मंदिर परिसर में पानी की किल्लत वर्षों से बनी हुई थी, इस समस्या का गुरुवार को भी समाधान हो गया। पार्षद एवं एमआईसी मेंबर रीता सिंह गेरा ने बोर खनन के लिए समाज के लोगों के साथ भूमि पूजन किया, जिसके तत्काल बाद बोर खनन का कार्य शुरू किया गया। बोर खनन के लिए समाज के पदाधिकारियों द्वारा छत्तीसगढ़ किसान कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हरिओम सोनी के नेतृत्व में मुलाकात कर बोर खनन की मांग बुधवार को की गई थी। इसे गंभीरता से लेते हुए एमआईसी मेंबर रीता सिंह गेरा द्वारा गुरुवार को ही बोर खनन का कार्य शुरू कराया गया। कार्य की जानकारी एमआईसी मेंबर रीता सिंह गेरा, छत्तीसगढ़ किसान कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हरिओम सोनी और पाल समाज के अध्यक्ष ने दी। भूमि पूजन करने कल हमारे पास पाल समाज के लोग आए थे, उन्होंने बोरिंग के लिए मुझे कहा तो मैंने कहा हो जाएगा तो दो तीन दिन का समय दीजिए। तो आज ही बोरिंग का हमारे पास मशीन के लिए आ गया कि भेजना है, तो हमने बोर कराने के लिए दे दिया और आगे भी हम इस तरह के कार्य करते रहेंगे समाज के लिए। उनकी मांगों को पूरा करने के लिए सहयोग किया जा रहा है, जिस प्रकार का भी सहयोग है, जैसे बोर का अभी मांगा गया तो बोर का सहयोग है, आगे भी जो सहयोग होगा करते रहेंगे। पहल की जा रही है, वार्ड वार्ड जाकर, गली गली जाकर, घूम घूम कर, एक एक घर में जाकर लोगों को जोड़ा जा रहा है। जिनके पास मजदूर कार्ड नहीं है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की योजनाएं जिन तक नहीं पहुंच पाती, जो समझ नहीं पाते, उनको जाके समझाया जा रहा है और योजनाओं से जोड़ा जा रहा है, पहल की जा रही है इसकी। मैं सर्वप्रथम धन्यवाद देता हूं हमारी बहन रीता गेरा को, जो सांस्कृतिक पर्यटक मनोरंजन विरासत सांस्कृतिक विभाग के और पार्षद वार्ड नंबर 29 के हैं। तो मैंने मुझे जानकारी, विगत में कई वर्षों से यहाँ आ रहा हूँ हनुमान मंदिर में और अहिल्या धाम में आता हूँ, यह मेरी गहरी आस्था जुड़ी हुई है। और मैं आया, देखा एक भव्य मंदिर का निर्माण चल रहा है, लेकिन उसमें कई वर्षों से पानी की बहुत समस्या चल रही थी। तो मैंने तत्कालिक एमआईसी मेंबर रीता गेरा बहन जी को मैंने बताया कि ऐसी ऐसी परिस्थिति है और हमें तत्काल एक बोर की आवश्यकता है, क्योंकि भीषण गर्मी चालू हो गई है। और यहाँ के हमारे जो समाज के, पाल समाज के जितने हमारे अध्यक्ष हैं, लोरी पाल जी, चुन्नी लाल जी, करतार बघेल जी, चिन्मय पाल जी, जगत पाल जी, राजा राम पाल जी, भवानी पाल जी और अधिवक्ता पवन लाल पाल जी, इन लोगों ने मुझे बताया और आग्रह किया कि भैया हमें काफ़ी दिनों से हम लोग परेशान चल रहे हैं, हमें एक बोर की आवश्यकता है, किसी प्रकार का उत्खनन कराइए। तो हमने तत्काल हमारी रीता के बहन जी को हमने बोला, बहन जी ने तत्काल ही उसको तुरंत अपने मतलब विचारधाराओं में लिया, चूँकि धार्मिक काम है, समाज का काम है और समाज के काम में उत्थान होना चाहिए। तत्कालिक 24 आवर्स मतलब 24 घंटा भी नहीं लगा होगा कि बहन जी की आस्था थी, गहरी आस्था थी, उसके लिए मैं उनको बारंबार धन्यवाद देता हूँ। प्रांगण में हम लोग कई वर्षों से पेड़ पौधा लगाते हैं, लेकिन गर्मी इतना पड़ता है कि पेड़ जीवित नहीं रहता है, सूख जाता है। और ये सब देख करके हम कई बार प्रयास किए हैं बोरिंग के लिए, लेकिन अभी हमारा 24 घंटे के अंदर में ही निराकरण कर दिए रीता बहन जी ने। हरिओम सोनी जी हैं जो वो यहाँ आते रहते हैं, हमारी समस्या को देखे और तत्कालीन मतलब 24 घंटे में बोरिंग का खनन चालू हो गया है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है और मैं पाल समाज की तरफ से इन सोनी भाई, हरिओम सोनी जी को धन्यवाद देता हूँ। सदा ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और बहुत फले फूले, यही हमारा आशीर्वाद है। बहरहाल बोर खनन के भूमि पूजन अवसर पर पाल समाज के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।